हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था कि जो पीएम होती है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। मुख्य रूप से प्रोटीन तथा लिपिड पाए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कोशिका का अस्तित्व संभव नहीं है। ओके, तो अपन आज बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तरल किरमिर नमूना जो किसने प्रस्तावित किया था, सिंगर तथा निकोलसन 1972 में। ओके, और ये सर्वमान्य मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परासंरचना को प्रदर्शित करता है। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया था। किसका? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का। परा संरचना का अध्ययन, और इसके द्वारा यह पता लगा कि जो पीएम है उसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है और इसका संगठन क्या है, इसका जो केमिकल एनालिसिस है वो इन्होंने किया था। तो इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, जो लिपिड हैं, प्रोटीन हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनका संगठन है और पीएम की जो संरचना है वो क्या है, उसको अपन अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखो, सबसे पहले बेटा बात करेंगे यहाँ पर जो लिपिड है उस घटक को मैं पहले ले रहा हूँ। सारे पॉइंट समझते जाना बेटा, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, रटने का कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? लिपिड्स की। सारे पॉइंट कवर करने बेटा, समझते जाना है। तो जो लिपिड्स होते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, फ्लूइड नेचर के होते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं, फ्लूइड नेचर के होते हैं। तो जो लिपिड्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्य घटक होते हैं, मेन कंपोनेंट। और जो लिपिड हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो बेटा होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, यानी को बोलते हैं अपन फॉस्फोग्लिसराइड्स, या ये हैं फॉस्फोलिपिड्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, लेसिथिन तथा सिफेलिन जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो लेसिथिन, सिफेलिन ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के घटक होते हैं। अब समझना बेटा, एक पॉइंट में बता रहा हूँ, लिपिड तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ये मुख्य घटक होते हैं, और कौन से प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स या फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, जिसमें फॉस्फेट समूह होता है। और ये नेचर में भी क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, अपन बात करेंगे सारी किनकी नेचर क्या है, किस प्रकार के हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं लिपिड को आपको समराइज़ कर रहा हूँ, वैसे बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे लेकिन एक बार लिपिड समझ लेते हैं क्या होते हैं और किस प्रकार से ये झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा हल्का सा मैं लिपिड को समराइज़ करता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। ये देखो बेटा, जो आपका लिपिड है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का क्या होता है? कंडेंस प्रोडक्ट होता है। जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कंडेंस हो जाता है तो उससे क्या बनता है? लिपिड बनता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैं स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा आपको। समझने पे ध्यान देना बेटा, नहीं रटना पड़ जाएगा। ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ये ग्लिसरॉल क्या होता है बेटा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, एक ग्लिसरॉल का अणु है। ये ग्लिसरॉल का अणु फैटी एसिड के साथ कंडेंस होगा। तो देखो यहाँ पर ये आ गया फैटी एसिड, आर सी ओ
OH, ये एक वसी अम्ल है। तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के मध्य देखो कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा बेटा। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? एस्टर बॉन्ड। तो इसको अपन बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर एक कंडेंस और हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं डाइग्लिसराइड, अगर एक और हो जाएगा इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो यहाँ पर जो थर्ड कार्बन है इसके OH के साथ एक विशिष्ट फॉस्फेट ग्रुप और एक कार्बनिक ग्रुप जो है वो ऐड होता है। जैसे ये आपका OH है तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा फॉस्फोलिपिड। ये क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, जिसमें दो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल और एक फॉस्फेट ग्रुप है। एक फॉस्फेट ग्रुप के बाद विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ जुड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है फॉस्फोलिपिड भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मैंने बताया लेसिथिन, तो लेसिथिन का डायग्राम भी हो जाएगा और इसको समझ भी लेना आप। तो जो लेसिथिन है यहाँ पर एक एक्स ग्रुप और जुड़ा होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोलिन ग्रुप। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है बेटा? ये एक्स लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, एक्स। तो यहाँ पर है ये कोलिन ग्रुप। इसके डिटेल स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल में बात करेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा फॉस्फोलिपिड। और ये एग्जांपल किसका है? लेसिथिन का। अभी आपके सामने देखो फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी है फॉस्फेट ग्रुप के पास। तो इसको रफली अपन डायग्राम में जब मेंशन करते हैं तो इस तरह से मेंशन कर देते हैं बेटा, देखो ये हेड हो गया और ये टेल हो गई। ये हेड पोर्शन है और ये टेल्स हैं। हेड में क्या है बेटा? ये वाला पोर्शन हेड में आ जाएगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप है। तो अपन बोल सकते हैं जो हेड है वो पोलर है और जो टेल है वो नॉन पोलर होती हैं। तो हेड क्या है? पोलर पार्ट और ये है नॉन पोलर। ओके, यदि किसी अणु में पोलर और नॉन पोलर दोनों भाग उपस्थित हों तो उसको अपन बोलते हैं एम्फियेटिक, जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों हैं। तो इसलिए ये फॉस्फोलिपिड जो है वो प्रकृति में क्या है? एम्फियेटिक, एम्फियेटिक नेचर का हो गया, जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों भाग हैं। चूंकि जो पोलर भाग होता है वो नेचर में क्या होगा बेटा? हाइड्रोफिलिक, जल रागी, और जो नॉन पोलर भाग होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों भाग इसमें उपस्थित हैं। हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर के साथ इंट्रैक्शन करेगा और जो हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरागी होता है, वो वाटर से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इनके बेसिस पे अपन इस अणु को बोलते हैं एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक। तो अपन बोल सकते हैं जो लिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो एम्फियेटिक तथा एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फियेटिक पोलर नॉन पोलर, एम्फीपैथिक का मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के अकॉर्डिंग। तो जो हेड है हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर लविंग होता है बेटा, याद रखना वाटर लविंग। जो जल की ओर जाएगा और जो हाइड्रोफोबिक है वो होता है वाटर हेटिंग, या अपन कह सकते हैं ये क्या है? जल विरागी। ओके, जल से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो देखो जो लिपिड अणु है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार का अरेंजमेंट रखता है उसको समझते हैं। जैसे आप कोई जलीय वातावरण है, ये वाटर कंटेंट है बेटा, इसके अंदर आप जो है लिपिड के अणु ऐसे डाल दो अलग अलग, ये फॉस्फोलिपिड है। तो कुछ समय पश्चात ये बेटा दो टाइप का अरेंजमेंट प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि हेड है वो वाटर लविंग है, इसलिए सारे हेड क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे और बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये देखो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये हेड है और अंदर की तरफ कौन आ जाएंगे बेटा? टेल, क्योंकि टेल जो है वो वाटर से दूर भागती है। ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको बोलते हैं मिशेल। ओके, या इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं स्थायित्व के लिए। थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, इसको समझना। ये देखो ये बाईलेयर का निर्माण भी कर सकते हैं, जो टेल्स है वो अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ। देखो अंदर भी वाटर कंटेंट और बाहर भी वाटर कंटेंट, तो अंदर एक स्थान बन जाता है, एक स्पेस बन गया जिसमें वाटर कंटेंट है और बाहर भी वाटर कंटेंट है। तो हेड तो बाहर की ओर हो गई और टेल कहाँ होगी बेटा? अंदर की ओर।
और इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है तभी एक लेयर का निर्माण होता है, एक परत का निर्माण होता है, और उसी परत के कारण आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ है। तो लिपिड की इसी प्रकृति के कारण ये एक परत का निर्माण कर पाई ताकि आगे जाके कोशिका निर्माण हो और कोशिका का संगठन स्थापित हो पाया नेचर में। बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि ये लिपिड अणुओं की प्रॉपर्टी है। तो आप समझ सकते हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मुख्य रूप से मुख्य घटक क्या है उसका, लिपिड। लिपिड की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ है। बात यहाँ तक की समझ में आ गई बेटा। अब अपन डायग्राम पे चलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम क्या है, सिंगर निकोलसन ने डायग्राम को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल सिंपल है बेटा, मैंने जो लिखा है वो नोट डाउन कर लेना बेटा यहाँ, ठीक है। वो लिपिड की नेचर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करेंगे कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का क्या रोल होगा, किस प्रकार से लेयर का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। लिपिड के अणु जो अभी बताए थे मैंने बेटा, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, फ्लूड नेचर के होते हैं। ठीक है, तो लिपिड के कुछ प्रॉपर्टीज और यहाँ लिख रहा हूँ मैं। जैसे लिपिड का एक अणु है बेटा, ये लिपिड का एक अणु है। लिपिड का एक अणु जो है वो तीन प्रकार की मूवमेंट दर्शाता है, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है बेटा रोटेशनल, समझो कैसे होती है रोटेशनल। ये लिपिड का अणु है, ये अपने एक्सिस पे क्या हो सकता है, ऐसे चारों तरफ घूम सकता है, क्योंकि लिपिड जो है वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो रोटेशनल का मतलब हो गया वो अपनी एक्सिस पे इस प्रकार से चारों ओर ऐसे मूवमेंट कर सकता है, तो ये रोटेशनल हो गया। एक होती है बेटा लेटरल मूवमेंट, पार्श्वीय गति। जो लिपिड कणों है वो लिपिड बाई लेयर में इधर उधर लेटरल मूवमेंट कर सकता है बेटा, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी, आगे भी और पीछे भी, दैट इज लेटरल मूवमेंट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है वो होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। वो क्या होती है समझना बेटा, जैसे लिपिड कणु है वो अपनी फ्लैप को चेंज कर सकता है, जैसे एक आउटर फ्लैप है और ये इनर फ्लैप है, तो वो अपनी फ्लैप को चेंज करके दूसरी फ्लैप में जा सकते हैं। और ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित होती है, इजीली नहीं होगी। उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फ्लिपेज। ये फ्लिपेज एंजाइम जो है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पर एनर्जी भी खर्च होती है क्योंकि एंजाइम यहाँ पर यूज आ गया। और ये केवल और केवल ये मोमेंट केवल किसमें पाई जाती है बेटा, लिपिड में पाई जाती है, प्रोटीन इस प्रकार की मोमेंट नहीं दर्शाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लिप फ्लॉप मोमेंट केवल लिपिड के अणु प्रदर्शित करते हैं, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मोमेंट नहीं दर्शाता है, वो अपनी फ्लैप को चेंज नहीं करता है, लेकिन लिपिड के अणु फ्लैप चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे अभी आपको डायग्राम में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये लिपिड्स की बात होगी, लिपिड के अणु कैसे होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड है, हाइड्रोफोबिक नेचर, ये सारी अभी डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसकी जो परत है किसकी बनी होती है, और ये बताया मैंने फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड के अणु इस प्रकार से व्यवस्थित है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल है, देखो। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होकर लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। तो ये जो बना रहा हूँ बेटा ये क्या है, ये देखो यहाँ पर लिपिड बाई लेयर, लिपिड की दोहरी परत हो गई। इस लिपिड बाई लेयर में देखो एक ये है और एक ये है, ये एक फ्लैप है, ये दूसरा फ्लैप है। अगर मैं बात करूँ इधर, इधर मान लो ये इधर इस तरफ जो है साइटोप्लाज्म है, और इसके बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, ये मेंशन कर देते हैं, ECM है यहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जैसे अपनी सेल की बात करें अपन, अपनी सेल जो है ECM में डूबी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डूबी होती है, चारों तरफ ECM है और अंदर की तरफ उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बोले तो साइटोप्लाज्म। इस लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन जो है वो विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ ये आउटर फ्लैप है, ये इनर फ्लैप है, तो यहाँ पर देखो ये रेड कलर से प्रोटीन बता रहा हूँ, ये प्रोटीन होगी बेटा। तो ये जो प्रोटीन मैंने मेंशन की है, देखो ये बाहरी परत में है लेकिन इस लिपिड बाइलेयर के अंदर है,
इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन, हिंदी भी बता दूंगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन या अंगभूत प्रोटीन। अंगभूत प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर व्यवस्थित है, इधर भी हो सकती है, ये भी इंट्रिंसिक होगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन होती हैं जो सतह पर पाई जाती हैं, ये देखो ये सतह पर व्यवस्थित है, तो इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या पेरिफेरल प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन जो इसकी पेरिफेरी पर है, जो सतह पर अटैच होती है, ठीक है बेटा। ये देखो अब इसके अलावा कुछ और विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन भी इसमें व्यवस्थित होती हैं, जिनको अपन बोल देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये कहलाती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आर पार होगी, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा जो लिपिड बाइलेयर है बेटा उसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर भी पाए जाते हैं जो सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, इनको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स, वाहक, ये है प्रोटीन के बने हैं ट्रांसपोर्टर, ये इनको बोल देते हैं अपन वाहक, जिनके आर पार विशिष्ट प्रकार के अणु जो है वो गति करते हैं और ये सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ जो मेम्ब्रेन ले रहे हैं वो आरबीसी की मेम्ब्रेन ले रहे हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट घटक भी पाए जाते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उनको समझना बेटा। ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट अगर इसके साथ जुड़े हैं तो इसको अपन बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन, और अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये वाली जो परत है जो बाहर की ओर, इसको अपन बोलते हैं आउटर फ्लैप, और जो अंदर की साइटोप्लाज्म की ओर, इसको बोलते हैं बेटा इनर फ्लैप, और दोनों मिलकर क्या बनाती है लिपिड बाई लेयर। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर बात करें आरबीसी की बेटा, तो आरबीसी में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का घटक होता है। तो देखो कोलेस्ट्रॉल के जो अणु होते हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच बीच में पाए जाते हैं, ये जो है ये बेटा देखो कोलेस्ट्रॉल के अणु हैं, ये वाले, ये क्या है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स में होता है बेटा, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, तो ये लिपिड अणुओं के मध्य छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये भी लिपिड के ही व्युत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो आरबीसी होती है बेटा उसमें अंदर की ओर आंतरिक सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन और होती हैं जिनको स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बोलते हैं, ये है स्पेक्ट्रिन, जो कंकाल का काम करती है, जो उसको स्थायित्व प्रदान करती है अंदर से। तो ये आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है जो आपकी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो आरबीसी है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है 50%, लिपिड होता है 42% और कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा 8%, ठीक है। ये आपको परसेंटेज याद रखनी है। अब देखें बेटा यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ, अभी मैंने बात की है लिपिड की, लिपिड तरल अवस्था में होते हैं, बाइलेयर का निर्माण करते हैं, लिपिड में फ्लिप फ्लॉप मोमेंट भी होती है, लैटरल मोमेंट भी होती है, रोटेशनल भी होती है, फ्लिप फ्लॉप का मतलब आउटर फ्लैप से इनर फ्लैप में आ सकते हैं, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है।
इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड की बाई लेयर है उसमें देखो, जो लिपिड के ये लिपिड अणु हो गया, फॉस्फोलिपिड है, उसके जो हेड होते हैं, जो सिरे होते हैं, वो बाहर की ओर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर, क्योंकि वो जल के प्रति रागी होते हैं। पोलर हैं तो पोलर पोलर कनेक्शन होगा, और जो पूंछ होती हैं, जो टेल्स होती हैं, वो अंदर की ओर होती हैं, ताकि वो जलीय वातावरण से अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ, ताकि स्टेबल रह पाएँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्टेबल हो पाएगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में लिपिड के सिरे बाहर की ओर और जो टेल्स हैं वो अंदर की ओर व्यवस्थित रहती हैं। और ये किसके कारण हो पाया? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर के कारण। एक लेयर इसकी स्टेबल नहीं हो सकती बेटा। एक लेयर होगी तो आपको पता है जो टेल्स है वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगी, स्टेबल नहीं रह पाएंगे, इसलिए बाई लेयर का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हो कि इस लिपिड या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मुख्य है, जो परत निर्माण में सहायक है, वो कौन है? लिपिड। और जो प्रोटीन है वो बाद में इसके अंदर आके इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, या तो परिधीय प्रोटीन के रूप में या आंतरिक प्रोटीन के रूप में। ठीक है, अब एक एक करके इनकी बातें करते हैं। लिपिड घटक को अपन ने समझा दिया है, जो लिपिड है उनकी नेचर को अपन ने बता दिया। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? प्रोटीन की। ठीक है बेटा, अब मैं प्रोटीन स्टार्ट कर रहा हूँ। डायग्राम हो गया, लिपिड कंटेंट हो गया, अब प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। डायग्राम में आपके सामने देखो बेटा, प्रोटीन ठोस होती हैं और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में व्यवस्थित होती हैं। तो प्रोटीन से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट है वो अभी अपन कवर करेंगे। अब बात करते हैं जो दूसरा घटक है, प्रोटीन। तो याद रखना बेटा, प्रोटीन जो है वो सॉलिड नेचर की होती है, सॉलिड नेचर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होती है। ठीक है, और प्रोटीन आपको पता है बेटा फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? प्रोटीन है। लिपिड बाई लेयर का निर्माण तो हो गया, परत बन गई, लेकिन जो प्रोटीन है वो फिर आगे फंक्शन में सहायक होती है। तो प्रोटीन जो है वो मेजर घटक है बेटा, मेजर घटक। जैसे बात करें अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सर्वाधिक मात्रा में कौन होती है बेटा? प्रोटीन होती है। तो मेजर कंटेंट जो है, अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। तो पीएम में जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्रोटीन को अलग करने के आधार पर, देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉइंट पे ध्यान देना, झिल्ली में जो प्रोटीन अलग करने की सुविधा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग, दो प्रकार कौन से हैं? एक तो देखो मैंने बताया आपको, एक तो होती है आपकी पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरी होती है इंटीग्रल प्रोटीन, हिंदी में बोल देते हैं इसको परिधीय प्रोटीन, और ये होगी आपकी आंतरिक बोल दो अंगभूत, अंगभूत प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो दो प्रकार की प्रोटीन होगी, पेरिफेरल और इंटीग्रल। देखो डायग्राम में बिल्कुल साफ है बेटा, हर शब्द के साथ समझते जाना कि कहाँ क्या पॉइंट अपन मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाने के बाद इसको रटो। ठीक है, तो जो अंगभूत होती हैं, अंतर्वेशी जो प्रोटीन होती हैं, देखो ये अंगभूत होगी और ये परिधीय। तो परिधीय प्रोटीन बेटा कहाँ पर हैं? देखो ये सतह पर बंधित होती हैं, सतह पर पाई जाती हैं। लेकिन जो अंगभूत प्रोटीन है, ये डिफरेंस आ जाएगा बेटा, ये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से झिल्ली में पाई जाती हैं, या तो आंशिक या पूर्ण रूप से
झिल्ली में धसी होती हैं। देखो, आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली के अंदर धसी होती हैं। तो आप बताओगे बेटा देखो आसानी अलग करने की सुविधा के आधार पर, तो बताओ आसानी से कौन सी सेपरेट होंगी। अपन बोल सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो आसानी से अलग हो जाती हैं, आसानी से अलग हो जाती हैं, लेकिन जो आंतरिक प्रोटीन है वो आसानी से अलग नहीं होगी क्योंकि वो झिल्ली के अंदर दसी भी होती है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो मात्रा में कम होती हैं और इंटीग्रल प्रोटीन मात्रा में अधिक होती हैं। बेटा पेरिफेरल प्रोटीन जो होती हैं वो पोलर नेचर की होती हैं और आंतरिक जो अंदर दसी भी हैं क्योंकि लिपिड बाई लेयर के अंदर हैं, तो बेटा ऑब्वियसली कौन से नेचर की होंगी, नॉन पोलर नेचर की होती हैं। ये व्यवस्था के आधार पर अपने बात की है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी किसकी, परिधीय प्रोटीन की और आंतरिक प्रोटीन की, और इनके विशिष्ट कार्य होते हैं बेटा, तभी तो अपन ने केवल टाइप बताए हैं। तो ये तो हो गया किसके आधार पर, अलग करने की सुविधा के आधार पर प्रोटीन को आपने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। सिंपल है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से प्रकार की होती हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर करना है, क्लियर। इसके अलावा डायग्राम वो बनाई है, इसके अलावा जो प्रोटीन इसमें पाई जाती है बेटा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर। देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, जो प्रोटीन है कार्य के आधार पर तीन प्रकार की होती है, कार्य के आधार पर तीन प्रकार की, कौन कौन सी बेटा, एक तो होती है आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन संरचनात्मक, दूसरी होती है एंजाइमेटिक जो एंजाइम्स का काम करती है, तीसरी होती है कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन और वाहक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन संरचना में सहायक होंगी, एंजाइमेटिक प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स का काम करती हैं जो उपापचय क्रियाओं को उत्प्रेरित करती हैं, कैरियर प्रोटीन जो है वाहक का काम करती हैं, जैसे कुछ गेट होते हैं, कुछ पंप होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, ट्रांसपोर्टर किसके बने होते हैं, कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन होगी, ये ट्रांसपोर्टर क्या है, कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो कार्य के आधार पर स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक और कैरियर प्रोटीन, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम पाए जाते हैं, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, जीवित होती है। तो ये जो बात है वो होगी आपकी प्रोटीन की, ठीक है बेटा। प्रोटीन घटक बता दिया आपको किस प्रकार से व्यवस्थित है, क्या क्या प्रोटीन के टाइप होते हैं, और प्रोटीन जब सॉलिड है और लिपिड जो है वो फ्लूड नेचर के होते हैं तभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, फ्लूड मोजेक होगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लूड मोजेक प्रकार की होती है, अर्ध तरल प्रकार की होती है। जो पीएम है वो कैसी होती है बेटा, क्वासी फ्लूड, क्वासी फ्लूड, ठीक है, अर्ध तरल होती है, कारण आपके लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड कैसी होगी बेटा, अर्ध तरल प्रकार की होगी, इसमें प्रोटीन भी उपस्थित है। अगर फ्लूड नेचर की होगी प्योर तो भी दिक्कत, क्योंकि पारगम्यता में दिक्कत आ जाएगी बेटा, कोई भी अणु जो है वो आर पार जा सकता है, और अगर बिल्कुल सॉलिड हो गई तो कोई भी अणु आएगा जाएगा नहीं, तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो परिवहन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा उसमें तरलता का बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो तरलता अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, और तरलता बहुत कम होती है तो भी दिक्कत होती है। इसलिए तरलता को भी, उसकी फ्लूडिटी को भी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिसकी अपन बात करेंगे जी, फ्लूडिटी को कंट्रोल करने के कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने प्रोटीन की बात कर ली बेटा, अब प्रोटीन के बाद अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो जो उसका तीसरा घटक है वो है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट के कुछ पॉइंट हैं, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये लो कार्बोहाइड्रेट, अत्यधिक कम मात्रा में पाए जाते हैं, कितने होते हैं, लगभग 1%, और ये ग्लाइकोप्रोटीन
तथा ग्लाइको लिपिड के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेटा रिसेप्टर का काम करते हैं, याद रखना, रिसेप्टर का कार्य करते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट संबंधित कुछ पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट थे। ये बाहरी सतह पर होते हैं, केवल झिल्ली की केवल बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में के रूप में पाए जाते हैं। ये लिपिड जो कार्बोहाइड्रेट हैं रिसेप्टर का काम करते हैं, अन्य कोशिकाओं को पहचानने का काम करते हैं, इंट्रैक्शन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी कार्बोहाइड्रेट की। और कहाँ मिलते हैं केवल ये कार्बोहाइड्रेट, याद रखना बेटा, बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गए आपके। अब अपन बात करेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी तरलता को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी फ्लूडिटी को, उसकी परमिबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है। इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होगी बेटा, क्या क्या कंपोजिशन था, किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है, सारी चीजें अपन ने एक्सप्लेन कर दी है। एनसीईआरटी में आप रीड करोगे सारे पॉइंट मिल जाएंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दिए हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फैक्टर्स, कारक जो किसको अफेक्ट करते हैं, फ्लूडिटी को। तो इसमें देखो सबसे पहला फैटी एसिड। अब देखो फैटी एसिड किस प्रकार से अफेक्ट करेगा, चूंकि जो फॉस्फोलिपिड है उसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं, बताया था बेटा जो टेल है वो किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड बेटा दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड तथा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो याद रखना बेटा, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा फॉस्फोलिपिड में, कौन से संतृप्त वसी अम्ल अगर ज़्यादा होंगे, तो जो फ्लूडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो तरलता है वो क्या होगी बेटा, क्या होगी, कम होगी। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं बेटा, फ्लूडिटी के। अगर ये ज़्यादा है तो फ्लूडिटी क्या होगी, सॉरी कम होगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने ज़्यादा होंगे तो तरलता उतनी क्या होगी बेटा, कम होगी। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने ज़्यादा होंगे तो तरलता क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप बोलोगे सर कैसे ये, उसको समझो बेटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हो गया कि फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो जो टेल्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट होंगी बेटा, सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी तो बिल्कुल पास पास होंगी तो तरलता क्या होगी, कम होगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनकी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पर ये जो टेल्स हैं वो तिरछी होंगी बेटा, किंक आ जाएगा, किंक आने से वो दूर दूर होंगी, और दूर दूर होते ही क्या होगा बेटा, तरलता भी बढ़ेगी। इसलिए फैटी एसिड का अमाउंट भी कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लो कोई एनवायरनमेंट है बेटा, कोल्ड क्लाइमेट है, जहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो आपको पता है टेम्परेचर कम होता है तो फ्लूडिटी वैसे ही क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। तो देख लो अगले से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो कारक है वो है टेम्परेचर। तो अपन बोल सकते हैं टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्लूडिटी के। टेम्परेचर ज़्यादा तो तरलता भी क्या होगी, ज़्यादा। टेम्परेचर कम तो तरलता भी क्या होगी, कम। टेम्परेचर को अपन कंट्रोल कर नहीं सकते बेटा, बाहर का तापमान है, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर उपस्थित जो फैटी एसिड होते हैं उनके प्रकार को कंट्रोल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अगला है बेटा एक कारक, कोलेस्टेरोल। याद रखना कोलेस्ट्रोल इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रोल जो है वो लिपिड का उत्पन्न होता है, यह केवल एनिमल्स में पाया जाता है, और जो कोलेस्ट्रोल है बेटा याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का घटक भी है। कोलेस्ट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, उसकी संप्रभुत्वता को मेंटेन करता है। तो अपन बोल सकते हैं ये फ्लूडिटी को भी मेंटेन करता है, फ्लूडिटी को नियंत्रित
करता है। तो ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी होगी, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को मेंटेन करेगा। अब ऑब्वियसली किस में होता है बेटा, ये अपने एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी जो सेल्स हैं उसमें सेल वॉल अब्सेंट है, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। उसमें फ्लूडिटी को ना तो बढ़ने देते हैं और ना ही घटने देते हैं, ताकि उसकी फ्लूडिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, तो ये कारक हो गए, थोड़े इंपॉर्टेंट थे इसलिए अपन बता दिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होगी बेटा, इसके सारे घटक हो गए, इसके कारक जो है उनके ऊपर अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या कार्य हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्य सारे पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, कैसे पारगम्यता होती है, सेलेक्टिव नेचर कैसे होती है, उसको अपन अब स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब कार्य पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कार्य हैं उसमें कुछ कार्यों की बात करेंगे अपन, जो मेन है उसको अपन डिटेल में लेंगे। जैसे कोशिका वृद्धि में सहायक होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब कोशिका में ग्रोथ होती है, सेल में ग्रोथ होती है, तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है बेटा, वृद्धि करती है, तभी कोशिका की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। अंतरकोशिकीय संयोजन बनाती है बेटा, जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहती हैं, जो अंतरकोशिकीय जो संयोजन है, इंट्रासेलुलर जो जंक्शन होता है उसमें भी ये सहायक होती है। श्रावण सीक्रेशन में भी बेटा बड़ा रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंडोसाइटोसिस, जो बाहर के पदार्थ होते हैं उनको अंदर की तरफ एनग्लफ करने में भी किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहायक है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। और ट्रांसपोर्ट, परिवहन, तो परिवहन जो है उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। तो इस ट्रांसपोर्ट को अपन थोड़ा डिटेल में लेते हैं बेटा, अलग से थोड़ा सा कंटेंट दे रखा है एनसीईआरटी में, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन परिवहन। तो यहाँ पर अपन जो पॉइंट लेंगे वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, झिल्ली परिवहन, झिल्ली परिवहन बेटा समझने पे ध्यान देना। इस पे जो झिल्ली परिवहन होता है, इसका मतलब होता है, समझो पहले, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, पीएम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों ओर अणु पाए जाते हैं, जैसे आंतरिक वातावरण है, ये बाह्य वातावरण है। तो इन दोनों ओर पाए जाने वाले अणुओं के लिए क्या होती है बेटा, चयनात्मक पारगम्य होती है। तो चयनात्मक पारगम्य है तो अणु इसको क्रॉस करके जाएंगे, उसी को अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, सारी बातें करेंगे। तो अपन बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके दोनों ओर पाए जाने वाले अणुओं के लिए चयनात्मक पारगम्य होती है, और ये इसका क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। उसके आर पार किस प्रकार से अणुओं का परिवहन होता है, जिसकी अपन अभी बात करेंगे। ठीक है, चलो तो इनके टाइप पे चलते हैं बेटा। जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन, ये निष्क्रिय परिवहन हो गया सक्रिय। तो आपको पता है बेटा, नाम से पता लग रहा है निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन में क्या अंतर होगा। तो ये दो प्रकार का हो गया। तो पहले अपन बात करेंगे बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट में। देखो पॉइंट पहला, ये निष्क्रिय परिवहन है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अपन बोल सकते हैं एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये एटीपी पर निर्भर नहीं करता, बिना एटीपी के ही ये परिवहन हो जाता है। ठीक है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है सांद्रता प्रवणता के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो अणु है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर झिल्ली द्वारा चले जाते हैं। तो ये हो गया सांद्रता प्रवणता के अनुसार। तो अपन बोल सकते हैं कि अणु जो है, यहाँ पर अणुओं की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, यहाँ कंसंट्रेशन अधिक है और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है,
कम है तो झिल्ली के द्वारा ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये एटीपी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार, अधिक सांद्रता प्रवणता से कम सांद्रता, इसको अपन बोल सकते हैं ये डाउनहिल होता है। ठीक है, डाउनहिल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये स्वयं भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये भी दो प्रकार का है, सिंपल डिफ्यूजन या बोल देते हैं सरल विसरण, और दूसरा है बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सुसाध्य विसरण, ठीक है, तो इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल और फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या फर्क है अभी बताता हूं आपको मैं, इनमें दोनों में अंतर ले लेते हैं। ये तो सिंपल डिफ्यूजन और इधर फैसिलिटेड। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी डिफ्यूजन हो गया तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेंगे बेटा, गमन करेंगे। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किसके द्वारा होता है, लिपिड बाइलेयर मैट्रिक्स के द्वारा होता है, लिपिड बाइलेयर की जो आधात्री होती है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टर होते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन होता है बेटा जो नॉन पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर अणु होते हैं जिनमें चार्ज नहीं होता, क्या अपन बोल सकते हैं ये सिंपल डिफ्यूजन किसका होगा, नॉन पोलर या अनचार्ज्ड या उदासीन जो होते हैं, ये अपन बोल सकते हैं वसा में विलय, वसा घुलनशील अणुओं का। और जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा वो किसका होगा बेटा, जो पोलर नेचर के होते हैं, क्या होते हैं जो पोलर के, या बोल सकते हैं चार्ज जो होते हैं। ठीक है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता नहीं होती। तो जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसमें क्या होते हैं ट्रांसपोर्टर, जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल आपका हो गया एक्वापोरिन, इसके अलावा गेट होते हैं बेटा, या इनको अपन बोल देते हैं चैनल्स, जो विशिष्ट अणुओं के लिए विशिष्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज के लिए होता है आपका ग्लूट फोर, तो ये किसमें आएगा, आएगा बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, ग्लूट फोर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा, किसके द्वारा, ग्लूट फोर के द्वारा। तो ये क्या है आपके फैसिलिटेड डिफ्यूजन के एग्जाम्पल, जैसे आपके एक्वापोरिन्स हो गए, गेट हो गई, ग्लूट फोर भी क्या बेटा चैनल ही है, गेट ही है। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किसके द्वारा होगा बेटा, लिपिड बाइलेयर में मैट्रिक्स के द्वारा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपका, जैसे आपकी लिपिड बाइलेयर है बेटा, ये लिपिड बाइलेयर, तो जो आपके उदासीन अणु होते हैं वो लिपिड बाइलेयर को इस तरह से क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं सांद्रता प्रवणता के अनुसार। लेकिन जो चार्ज्ड होते हैं बेटा उनके लिए क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएंगे, तो ये हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ आपको इतना ही पढ़ना है, वैसे फिजियोलॉजी में इनके बारे में डिटेल आएगी बेटा, पूरा डिटेल सिंपल डिफ्यूजन के प्रकार तो वहाँ डिटेल है, यहाँ केवल आपको इनके टाइप बताने हैं। तो ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या विशेष लक्षण होंगे, तो नाम से पता लग रहा है ये ऊर्जा पर निर्भर करेगा, एटीपी डिपेंडेंट होता है, सिंपल बात है बेटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी पर निर्भर होता है, इसका मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है,
सांद्रता प्रणता के विपरीत, या अपन बोल सकते हैं ये अपहिल डायरेक्शन, ऐसे समझे बेटा। जैसे अणु है, यहाँ पर सांद्रता अधिक है और यहाँ सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर झिल्ली के द्वारा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं पंप, इनको अपन बोल देते हैं बेटा पंप। एग्जाम्पल जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, एच प्लस पंप, कैल्शियम पंप। इतना याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, प्रोटीन पंप द्वारा ही होता है, लेकिन सांद्रता प्रवणता के विपरीत, और ये ऊर्जा पर निर्भर करता है और ये फास्ट होता है, सबसे तीव्र होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उन भागे से, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पीड जो है, जो गति है, वो क्या होती है, ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है बेटा। तो ये बात होगी अपनी परिवहन की, ठीक है। इतना याद रखना था आपको कि ये परिवहन में सहायक होती है, परिवहन यहाँ दो प्रकार का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको एक बार समरी बता दी, डिटेल आएगी आपकी फिजियोलॉजी में, लेकिन फिर भी मैंने आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। ये टाइप आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंटेंट दिया है, उसको आप रीड करोगे। इसके अलावा बेटा एक और होता है, ये तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अलावा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो पॉइंट याद रखने हैं आपको केवल। बस इस तरह से बता देता हूँ, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा, जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बल्क अमाउंट में सेल के अंदर या बाहर जाते हैं, बल्क में। यहाँ तो मॉलिक्यूल क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बल्क अमाउंट में उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये बल्क ट्रांसपोर्ट जो है दो प्रकार का होता है बेटा, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, अंदर और ये बाहर। एंडोसाइटोसिस को दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक तो होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है बेटा पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा सेल ईटिंग, सेल खाना, खाना मतलब सॉलिड पदार्थों का अंतर्ग्रहण। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा सेल ड्रिंकिंग, इसमें लिक्विड जो पदार्थ हैं वो अंदर बल्क में जाते हैं, किसके द्वारा, वेसल के द्वारा, या अपन बोल सकते हैं वेसिकल जो होती हैं, पुटिकाओं के द्वारा। जैसे ये सेल है बेटा, ये बाहर कोई अणु है, तो ये सेल में क्या होगा बेटा, एक वेसिकल बनेगी और उस वेसिकल के द्वारा ये क्या होगा, वेसिकल अंदर जाएगी, इसको अपन बोल देंगे एंडोसाइटोसिस। अगर ये सॉलिड पदार्थ है तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। जो एक्सोसाइटोसिस होता है वो होता है सेल वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब ये पदार्थ जो है, अंदर वाले पदार्थ जो है, वो वेसिकल के द्वारा बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं, तो ये होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। तो ये भी एक तरह से परिवहन में आ गया, लेकिन इसको अपन बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। और ये बल्क ट्रांसपोर्ट भी ऊर्जा पर निर्भर करता है, क्योंकि वेसिकल बनती हैं, उनका आवागमन होता है, तो वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने थोड़ा प्रकाश डाल दिया, तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आपको पूरा रीड करना है, और जो एनसीईआरटी का कंटेंट है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। तो मेम्ब्रेन खत्म आपकी, सेल वॉल और मेम्ब्रेन को अपन ने कंप्लीट कर लिया है दो लेक्चर में। अब मेम्ब्रेन के बाद अपन आगे बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, उनको एक एक करके उनकी स्ट्रक्चर और उनकी उनके फंक्शनिंग की अपन बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, काफ़ी बातें हो गई हैं, तो इनको एक बार रीड करके एनसीईआरटी के ऊपर वापस बेटा आप फोकस करना, ठीक है। एनसीईआरटी के कंटेंट को थोड़ा सा आप रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। ओके, ऑल द बेस्ट।